द्रव्यादियों में दोष कल्पना का निराकरण, ये बहुत मुख्य विषय है, इसलिए मैंने निकाला। देखो तथा कितने जीव कहते हैं कि, मतलब इसमें क्या है, प्रकरण क्या चल रहा है, देखो बताता हूँ। ये जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, जैसे कि कोई कह रहा है प्रथमा नियम में ये दोष है, मैंने जो दोषों की कल्पना करते हैं, अनुयोगों में दोषों की कल्पना करते हैं, ये प्रथमा नियम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसमें दोष है। मैंने चार अनियोगों में से किसी एक अनियोगों में दोषों की कल्पना करते हैं, भगवान जिनेंद्र की वाणी है, लेकिन वो अपने आप को भगवान जिनेंद्र से बहुत ज़्यादा समझदार है, ऐसे तो वो ये कहते हैं प्रथमा नियम में तो दोष, प्रथमा नियम में क्या करना नहीं, दोष करना नहीं होगा, दोष इनको नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे दोषों की कल्पना करके लोगों को उसको स्वाध्याय से मुक्त रखते। अपने क्या नेगेटिव थिंकिंग होती, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो क्या करना, मैंने नहीं पढ़ने की बात तो आ जाएगी, जैसे शावकों को समय समय नहीं पढ़ना चाहिए, धवला नहीं पढ़ना चाहिए, तो पढ़ेगा फिर विचार, मतलब उसके लिए कोर्स ही खत्म कर दिया तुमने, नहीं पढ़ना चाहिए क्यों बात करते हो, क्या पढ़ना चाहिए बताओ ना उसको, ये तो नेगेटिव थिंकिंग है, इस तरह की नकारात्मक सोच, ये नहीं करना चाहिए उसको, ये नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उसको, समय सार में यदि ऐसा होता तो सबसे पहले वो लिखते खुद कुंदाचार्य, डोंट रीड, मतलब पढ़ो मत इसको, तुम पढ़ोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, फिर बीच में भी लिखते, आखिरी में भी लिखते, जगह जगह लिखते कि उनको खुद को भय होता था। दूसरी बात, कोई भी लेखक कोई रचना लिखता है तो वो तो सर्व सबके लिए लिखता है, जन सामान्य के लिए, किसी लेखक की कभी लेखक की बुद्धि में घुस के देखो तो समझ में आएगा कि कोई चीज़ वो किसी के लिए बाइंड नहीं करता, वो तो चाहता है कि ये सब जने इसको पढ़े, और यदि वो ऐसा करेगा, वो कोई गुप्त लेटर तो ही नहीं है, वो कोई विल या कोई रहस्यमय डॉक्यूमेंट, और यदि ऐसी चीज़ जिससे जिसका बुरा होता होगा तो वो उसको पहले ही उसको कर देगा कि भाई ये मत पढ़ना या करना, 10 बार निषेध कर देगा, या उसको वो लिखेगा ही क्यों, महामुनिराज, और वो कोई चीज़ गुप्त लिखे जो किसी के लिए और किसी के लिए नहीं हो, क्या उनको इतनी बुद्धि नहीं थी कि लोगों बाद में रहेगी चीज़ तो कुछ लोग पढ़ लेंगे और फिर उनका ये हो जाए, ये बात कहाँ से, लोगों शटकंडा में उनके लिए बोलते धौला, मेरे को तो मैं बोल ही नहीं सकता दुनिया में किसी को कि मैंने उसका संपादन किया, मैं बोलूँ तो लोग मेरे को उसको उल्टा और दस सुना देते, तुमने धवला पढ़ लिया, मैंने कहा पढ़ लिया, तुमने पढ़ के लिया कैसे लिया तुमने, तब मैंने कहा पढ़ तो लिया मैं, अब क्या करूँ, मैं पढ़ लिया तुम्हारा मरण बिगड़ जाएगा, जो क्या होगा, एक्सीडेंट मर जाऊंगा क्या होगा, ऐसी ऐसी बातें हैं, मतलब बिल्कुल बेतुकी, कुछ नहीं है उसमें, थोड़ा कठिन है, जो लोगों को सरल ही बात नहीं समझ में आती है उनको कठिन पढ़ाओगे तो उनका मन नहीं लगेगा, इस अपेक्षा से मना किया है, लेकिन जिसको आ रही है वो कठिन समझ में, वो क्या करे, सरल में मन नहीं लगे तो हम क्या करें बताओ, वही सब इसमें देखो पढ़ते हैं, देखो मतलब मेरा तो खैर समय सारी की बात नहीं, तो किसी की भी हो, कोई अनियोग की हो, ये बात सुनना कान में कि ये नहीं पढ़ना, ये बात मेरे समझ में ही नहीं आती कि ये कहाँ से लेके आए, ये नहीं पढ़ने की बात क्या, इस जमाने में कौन पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर कौन रहा है, जो ये कहना है कि ये नहीं पढ़ना चाहिए है? और फिर उसमें भी 10-10 चीजें हैं उसके अंदर कि इस टाइम पर ही पढ़ना, ये टाइम पर ही पढ़ना, वो टाइम पर ही पढ़ना, वो टाइम पर ही पढ़ना, गृहस्थी को तो जब टाइम मिल जाए तो पढ़ ले अच्छा, तो टाइम टाइम पर नहीं पढ़ना, 10 उसके बंदिश लगा दोगे तो वो पढ़ने से ही उगड़ जाएगा बेचारा, ये सब लोगों को जो है ना ये अशिक्षित बनाने का षड्यंत्र है, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, अरे खुल के प्रचार प्रसार होना चाहिए लोगों के लिए, खूब अच्छे से जिनवाणी का अभ्यास करो, ग्रंथ का पठन पाठन करो, जिनवाणी पढ़ो, स्वयं पढ़ो, पढ़ाओ, लोगों को शिक्षा दो, और शिक्षा देने की बात की उल्टी बात करें कि ये नहीं करना चाहिए, अशिक्षित रखने की बात है, और इतने शिक्षित वर्ग समाज के होते हुए, अच्छे अपन पढ़े लिखे लोग होते हुए वो ऐसी बातें करें, इस टाइम पर पढ़ना नहीं पढ़ना, स्कूल की चीज़ तो कभी पढ़ लेना, टीवी देखता रहेगा आदमी, और ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, एक आदमी ने मैंने उससे कहा मुझे तू घर पे जिनवाणी रखा कर, रात को बे रात कभी नींद खुल जाए तो पढ़ लिया कर, उसने मेरे को क्या कहा हूँ घर में तो जिनवाणी का अभी नहीं होता, मैंने कच्चा अभी नहीं होता, बोला हाँ घर में तो ही जिनवाणी रख सकते, मैंने कहा तुम्हारी अलमारियाँ अलमारियाँ तो होगी ना, बोला हाँ एक जूते चप्पल की भी अलमारी,
जूते चप्पल का बिना हो रहा है, जूते चप्पल की अलमारियां भरी हुई है, कपड़ों की अलमारी भरी हुई है, एक जिनवाणी माई ऐसी उसका बिना हो रहा है। घर में होगी तो कभी भी रात बिरात नींद खुली, कभी मन हुआ तो पढ़ लेगी, मंदिर कोई हमेशा तो जाना बन नहीं सकता। कभी रात को, और अपने को क्या, अपनी आगे की पीढ़ी को भी कभी कोई तकलीफ आई, कभी कोई प्रसंग बना और कदाचित उसने कहा कि देखो अपन ये अपने माता पिता ही पढ़ते थे, अपन भी देखो सही क्या है, कोई चीज़ अच्छी मिल गई तो जीवन में शांति मिलेगी उससे, तो उसको तो अच्छे से घर में बसा रखना चाहिए। लोग लाइब्रेरी बनाते हैं और ये बात कर रहे हैं कि इनका अभिनय होता, कैसी बात है, ये सब बातें मतलब जिनवाणी पर लिखी तो है नहीं अपनी मर्जी से, कुछ बोल तो प्रमाण देना चाहिए। आगम था, आगम में कहा लिखा होता, अपनी बुद्धि से कुछ भी तर्क लगा के, छोटे छोटे तर्क लगा के लोगों को इसके स्वाध्याय से विमुख रखना, ये तो पाप बंध का कारण है, घोर पाप बंध का, मैंने सीधे सीधे कुंदकुंदाचार्य देव की वाणी को प्रचार प्रसार से रोकना। उन्होंने तो इस भावना से लिखा कि जन सामान्य का कल्याण हो, और ये कहते हैं तू मत पढ़, तू मत पढ़, मैंने सीधे सीधे जिनवाणी को पढ़ने से स्वाध्याय से उसमें अंतराय डालना है, तो अंतराय कर्म का बंद होगा, ज्ञानारण्य कर्म का बंद होगा। सोचना इस पर, धर्म के अंदर कोई बाधा नहीं, कोई भी कुछ काम करे धर्म का उसमें किसी प्रकार का अंतराय नहीं डाल, क्योंकि वैसे ही इस काल में लोग बहुत कम करते हैं, और फिर उसमें भी अपन 10 बातें करें तो वो उससे वो विमुख ही रह जाएगा। जरा 19-20 के अंदर मतलब थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, बहुत ज़्यादा शुद्धि अशुद्धि के चक्कर में पढ़ने से वंचित हो जाएगा क्या, अपन ने बहुत ज़्यादा सब डाल दिया ना उस पर, ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, सब वस्त्र उतारो, ये उतारो, फिर पढ़ना बैठे तो कौन उठाएगा पढ़ेगा। मतलब शुद्धि मतलब जैसे कपड़ों की कहते ना लोगों ने बाजार के कपड़े पहन के आ गए, ये हो गया वो, कुछ नहीं है ये, क्यों, कारण ये है कि देखो वो जिस तरह से भी पढ़े, अभी तो उसको पढ़ने में रुचि लगाना है, वो ये सब काम बाद में कर लेगा, एक बार उसको तत्व की रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, रुचि होगी पढ़ने की तो सब काम होंगे, रुचि नहीं होगी तो वो तो यूं ही नहीं पढ़ेगा। और इस जमाने में तो वैसे ही जिस जिस तरह से बच्चों को इन सबको स्वाध्याय में जोड़ना ही सबसे बड़ा काम, उसमें कोई प्रतिबंध मतलब अपने को समझ नहीं आता है कि प्रतिबंध क्यों। कोई बच्चा पूजन करने आए, घड़ी पहन के चले जाओ, 10 जने उसको बड़े आ रहा है आना, तो उसको मतलब घड़ी पहन के आ गए ठीक है, लेकिन टोका टाकी करते ना तो वो फिर बच्चे अच्छे से उनको उत्साह, उनको अच्छा उनको इंकरेज करने, उत्साह करें। देखो अब चलो इसमें पढ़ते थोड़ी, यहाँ तात्विक चर्चा है, ये तो सब अपन बाहर की बात है। द्रव्यांग योग में कोई जीव दोष की कल्पना करता है उसका निराकरण यहाँ पे देखो, तथा कितने जीव कहते हैं कि द्रव्यांग योग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीन बना प्रकट किया। सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को निर्जरा का कारण था इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे, इसलिए उनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। टोडरमल जी का जो श्रोता है जो प्रश्न कर रहा है, प्रश्न करा हुआ, प्रश्न करने वाला पढ़ा लिखा है, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बेतुकी बात नहीं करता, सीधे बिना कोई रीजन के कि मत पढ़ो, फरमान नहीं है, गुरुदेव का फरमान नहीं है, कोई नहीं पढ़ेगा, तर्क हेतु तो होना चाहिए ना, क्यों नहीं पढ़ेगी, उसने हेतु दिए, 3 हेतु दिए उसने, मेन हेतु तो एक ही है, क्या दिया उसने हेतु, देखो उसमें जगह जगह व्यवहार धर्म का ही पना प्रकट किया है, और है ये बात सच्ची, उसमें लिखा है सब। व्यवहार धर्म मतलब व्रत पूजन शील संयम, ये जो व्यवहार धर्म जो लोग पाते उपवास कहीं पना प्रकट किया है, तो कह रहे हैं कि और सम्यक दृष्टि के विषय भोग को निर्जरा कारण था, इनको तो हे बता रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि उसके भोग निर्जरा के कारण, तो इसको पढ़ के बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्या हो जाएगा, लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे और पुण्य छोड़ देंगे और पाप में प्रवर्तेंगे, इसलिए इनको हम पढ़ने सुनने का मना करते हैं, ये उसका हेतु है, तर्क है, बहुत अच्छा तर्क है उसका उत्तर। उससे कहते हैं जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे, क्या बोला गधा में खाता हूँ, मतलब गधा जो है मेरे को लगता है गधा मिश्री खा के मर जाता होगा, जब खा खड़े बोले
मर जाए कोई नहीं, नहीं हो सकता मर भी जाता है, तो लिखा है कोई कोई चिपक जाती है सारी शक्कर जितनी खाता है ना मिठास आते उलझ जाते हैं। हाँ वो कोई मैंने कहा नहीं, ये जो लिखे सब ये तर्क दिए हैं ये सब ये जो जिनवानी में लिखे रहते ना उदाहरण आते उलझ जाती है, ये बहुत अच्छे उदाहरण देते हैं क्या वो गधा ऋषि खा के मरता होगा खिला के मत देख लेना कोई कर समझ लेना बस अपने तो जिनवानी से कि हाँ गधा मिश्री खा के मरता हो तो कोई गधा मिश्री खा के मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे छोड़ देंगे। अरे कुत्ते को कहते हैं कुत्ते को घी डली हुई रोटी दे दो नमक भी नहीं बाल हो जाते नमक भी तो कुत्ते के बाल हो जाते तो क्या अपन भी घी खाना छोड़ देंगे नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार उसी प्रकार विपरीत बुद्धि जिसकी बुद्धि विपरीत है वो अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। विपरीत बुद्धि साहब उसकी इतनी समझ में नहीं आया कि जब पुण्य को भी हे बताया जा रहा है तो पाप तो कितना हे होगा, जब अपन ये कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास से भी काम नहीं होता तो फेल होने में तो क्या होएगा कहते विपरीत बुद्धि है ऐसा जी जो ऐसी बात करे ऐसा विपरीत बुद्धि जीव यदि अध्यात्म ग्रंथ को सुनकर स्वच्छंद हो जाए ऐसा एक जी कोई होता हो तो जो विवेकी है वो तो अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं छोड़ेंगे अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। इतना करे भले कि जिसे स्वच्छंद होता जाने उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद ना हो उस प्रकार उपदेश। यदि ऐसा लगता हो कोई स्वच्छंद हो रहा हो तो उसे इस प्रकार से उपदेश जिससे स्वच्छंद ना हो। और वो कह रहे हैं वो स्वच्छंद पहली बात तो कौन एक कोई विपरीत बुद्धि होगा वो होगा और यदि वो भी हो रहा हो तो उसको स्वच्छंद ना हो इस प्रकार से उसके लिए उपदेश दे दें। तो अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहाँ तहाँ निषेध करते हैं उसमें भी ऐसा नहीं एक लाइन में पहले कह देंगे वो कि ये पुण्य है और अगली लाइन में कह देंगे जब पुण्य भी जहर है तो पाप की तो क्या कुछ नहीं अगली लाइन में इतना बैलेंस बना के चलते हैं आचार्य। हाँ यदि अपन अपनी मर्जी की एक लाइन निकाल लो उसमें से आगे पीछे मत बताओ तो गड़बड़ है लेकिन आद्योपात कोई पड़ेगा तो उसमें कहीं कोई गड़बड़ आचार्य नहीं आचार्य ने तो पूरा संभाल के दिखा दिया। बड़े बड़े आचार्य ही है कोई सामान्य लोग हैं इनकी कथनी के ऊपर ये दोषारोपण करना कि इसको पढ़ के कोई स्वच्छंद हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसने उस ग्रंथ को पढ़ा ही नहीं क्योंकि उन ग्रंथों में तो स्वच्छंद होने का भी जहां तहां निषेध किया है स्वच्छंद होने का पोषण नहीं किया। लेकिन वस्तु स्वरूप भी तो बताएंगे ना नहीं तो जीव वही अटका रहेगा। इसलिए जो भली भांति उनको सुने वह तो स्वच्छंद होता नहीं बराबर आपके पास जो सुनेगा वो स्वच्छंद नहीं होगा। अपनी मर्जी से कोई एक बात सुन ले तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं वो तो मैं कहता हूँ ब्रह्मान योग से भी स्वच्छंद हो सकता है कैसे तो वो भरत चक्रवर्ती के इतने भोग अपने क्या भोग अपने जबरदस्ती ये छोड़ना वो छोड़ना उनके 96,000 थी अपने तो एक ही उनके तो इतने महल थे अपने तो एक ही उनके इतनी गाय थी इतने घोड़े थे अपने तो कुछ भी नहीं है और उनने भी क्या किया अंतिम अंतर व्रत केवल ज्ञान मतलब उन्हीं वर्ग केवल ज्ञान कर लिया और भी कर लेंगे। करना नहीं हो क्या अंदर नींद आ रही हो किसी को तो नींद क्या आ रही है निद्रा निद्रा का दोष कर्म प्रकृति बढ़ा चरणा नियोग के अंदर चरणा नियोग में भी क्या है कोई निकाले ना उसके अंदर भी उसमें भी जैसे अनुव्रत आदि का उपदेश है वो स्थूल है सत्यानुव्रत का उपदेश स्थूल है चोरी अचौर्यानुव्रत का उपदेश वो स्थूल है जैसे अचौर्यानुव्रत के अतिचार का है क्या अतिचार का है कि लेने देने के तराजू बाट कम ज्यादा रखना मिलावट करना तो ये अतिचार का है मतलब ये होने पर भी हो सकता है चलो अच्छे जरूरत में दोष लगे लेकिन वो नष्ट नहीं होता ऐसा उसने कहा तो मिलावट कर रहा वही तू चोरी कर रहा है अतिचार कहे व्रति की अतिचार है मैं तो व्रति भी नहीं हूं क्या मिलावट करे लेने देने के बाद कम ज्यादा रखे चोरी का माल खरीदे चोरी करने की प्रेरणा देवे क्या झूठा लेख लिखे ये सब खतरनाक काम है अंदर हो जाए इनसे और इनको भी अतिचार कहा
क्योंकि वहाँ जो वर्णन है ना वो तो जन सामान्य को दृष्टि में रखकर किया गया। जन सामान्य जैसे किसी का काम, वहाँ चोर आदमी है उसको भी अपने को व्रतादि का पालन कराना, तो उसकी दृष्टि से तो अपन ने बिल्कुल स्थूल वर्णन किया। लेकिन जिसका जीवन ही चोरी में नहीं है उसके लिए कहेंगे तेरे लिए अतिचार तो नहीं, तेरे लिए तो अनाचार है, तेरा तो जैनी का आचरण है, तू जैन कुल में पैदा हुआ है तो ये तो इतना तो जैनाचार है ही कि तू ऐसी बड़ी बड़ी चोरियाँ नहीं करे, चोरी का माल खरीदे नहीं, चोरी कराए नहीं, कम दे जो है मिलावट नहीं करे, ये तो मिलावट करेगा तो क्या होगा, अंदर हो जाएगा अभी तो। लेकिन उसमें कहा है मिलावट करने में भी अतिचार बताया उसको, तो इसलिए जिसको मतलब जिसको अपनी चीजें पकड़नी हो उल्टी सुल्टी वो तो कहीं से भी निकाल सकता है। विपरीत बुद्धि हो, स्वच्छंदी होना हो तो उसको लिए द्रव्य नहीं होगी क्या है, तो प्रथमा नहीं हो, चरणा नहीं हो, करना नहीं हो, सभी अपनी मर्जी की बातें, तो इसलिए ऐसी कोई वो नहीं। जो विवेकी होगा जो उसको भली बात ही सुनेगा वो तो स्वच्छंद होता नहीं, परंतु कोई एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का तो दोष है, तो ग्रंथ का कोई दोष नहीं, ग्रंथकर्ता का कोई दोष नहीं, उस जीव ही का दोष है। तथा यदि झूठे दोष की कल्पना करके, इस प्रकार के झूठे दोष की कोई कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उद्देश्य तो वहां है, असली चीज तो वहां है। जिसने अध्यात्म ग्रंथ नहीं पढ़े तो समझना कि उसको तो अभी तत्वज्ञान का कुछ अंश भी नहीं है, उसको वो रस ही नहीं बनेगा, धर्म का रुचिवंत धर्म में रस उत्पन्न नहीं होगा। धर्म का असली सार तो असली हृदय धर्म का तो वहां है, क्या सात तत्व के अंदर तत्व का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, तो तत्वार्थ सिद्धांत में क्या आता है, स्वपल का भेद विज्ञान आता है कि जीव जीव को जानना, तो स्वपल के भेद विज्ञान की चर्चा है उसमें कि स्वपल का भेद विज्ञान कैसे करना, माने जो है असली अमृत जिसको सुन के जीव को आनंद आ जाए वो असली अमृत तो वहां है। मोक्ष मार्ग का जो मूल उपदेश है वस्तु स्वतंत्रता का, भेद विज्ञान का, वो तो अध्यात्म ग्रंथों में, वो ही निषेध कर देंगे तो कह रहे मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां है, और उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है, उसको निषेध करने मोक्ष मार्ग बंद, क्योंकि बाकी तीन अनियोग तो जिसको अध्यात्म का रस लगा हो उसको तीन अनियोग रुचते हैं, जिसको अध्यात्म की रुचि नहीं हो, अध्यात्म के बिना जैन दर्शन बिना जीव के शरीर है, मैंने बिना आत्मा के मुर्दा शरीर कैसा है वो, ऐसे बिना अध्यात्म के जैन दर्शन है, उसमें कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं उसमें कुछ, आप माइनस कर दो अध्यात्म को, अध्यात्म माने भेद विज्ञान की चर्चा को द्रव्यानियों के ग्रंथों का अलग कर दो, माइनस कर दो, फिर वो एक बोझा है बस, ये करना है ये करना है, बोझे जैसे ढोते रहे सारे व्रत नियम आदि को, कोई रुचि तो है नहीं उसकी करने, और ये सहज होते हैं जिसकी रुचि होती है, रुचिवंत के सब सहज होता है धर्म, और जिसकी रुचि नहीं होती धर्म की वो हम सबको विचार होता होता है, कब तक ढोएगा, एक दिन ढोना बन जाता है, मूल उपदेश है ना। अभी आप लोगों ने उसका रस चखा ही नहीं, पढ़ना प्रवचन सार व्रत रस संग्रह समय सार, तो इतना रस आएगा कि जिनवाणी छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, अद्भुत उपदेश है उसके अंदर, अद्भुत वर्णन। अब क्लास चलती है वहाँ पे सुबह समय साथ लाल मंदिर, मेरे को ये विचार आता कई बार, मैंने कहा ये पढ़ना चाहिए वास्तव में लोगों को, क्या क्योंकि जिंदगी बहुत थोड़ी है, कब तक अपन क्या होगा अपना, बाकी गजब वर्णन है उसमें, मोक्ष मार्ग का मूल असली उपदेश वहाँ है, सीधे उसमें भेद विज्ञान की चर्चा है, प्रवचन सार समय सार पंचास्तिकाएँ वृद्ध संग्रह, पंचास्तिकाएँ का विषय के वृद्ध संग्रह में आ गया, तीन ग्रंथ भी पढ़ ले आदमी, वृद्ध संग्रह प्रवचन सार समय सार, तो जैन दर्शन का बहुत कुछ कोर हृदय में आ गया, वृद्ध संग्रह प्रवचन सार और समय सार, तो तीनों के सब्जेक्ट एक से एक बढ़िया है, जबरदस्त विषय है।
तो वो कह रहे हैं इसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध हो जाएगा। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता, बारिश होने पर किसी को उल्टा नुकसान हो, तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना। कहीं बरसात कीचड़ हो रही, बहुत कपड़े खराब हो रहे हैं, क्रीच खराब हो जाएगी, तेरी क्रीच खराब होगी, लेकिन हजारों किसानों का क्या होगा? लोग कई लोग शहर के लोग जल्दी बारिश गंदी वही तो कहना, लेकिन लोगों को बारिश हो रही कीचड़ हो जाता है, कीचड़ हो जाता है तो गंदा लगता है, नालियाँ पानी आ रहा है अपने देश के अंदर, कीचड़ मानता है तो अंतर ही नहीं रहता गटर का और उसके पानी में, तो लोगों को बहुत गंदा लगता होगा, वो सोचते पानी नहीं बरसे बहुत हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि तेरे परेशानी से वो पानी नहीं बरसे तो इधर कितने लोगों का नुकसान होगा, फिर वो अन्न नहीं मिलेगा खाने, इसलिए मेघ का तो निषेध नहीं करना। उसी प्रकार स्वभाव में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते तो उसकी मुख्यता करके, एक की मुख्यता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना। क्या कोई एक आध आदमी बिगड़ गया हो, जैसे कोई एक आध आदमी दवाई लेके मर जाए, समझ लो रिएक्शन कर जाए, दवाई सब दुकान बंद करवाओ, ऐसी बात है क्या? मतलब सैंपल, कोई सैंपल में से जो सैंपल बिगड़ा होगा ना उसको केस को मुख्य कर देते हैं, लेकिन भाई जनरल बात करो ना, तुम जनरल क्या है, समझ में? एक छोटे से सैंपल को लेके और पूरे बड़े ग्रुप का डिसीजन देना ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसे कोई एक जीव को पकड़ के और पूरा का पूरा जो है पूरा सैंपल पूरा माल ही खराब है, तो भैया ये जो तेरे हाथ में आया ना माल ये खराब है, तो पूरा माल देख पहले अच्छे से और फिर देख। ऐसे कोई एक आध जीव भ्रष्ट हो जाए उसकी मुख्यता करके, अरे तो सब भ्रष्ट हो जाते हैं, इसके ऊपर सब हो जाते हैं, कितने जीव हजारों जीव जिनके जीवन बदल गए अध्यात्म पढ़ गए। और रुचि धर्म अध्यात्म से लगे, और बल्कि जो लोग कहते हैं कि भ्रष्ट हो गए उन कहने वालों से अनेक हजार गुना अच्छा जीवन है उन लोगों का, इसलिए ये कहते हैं कि भाई ये बात नहीं है, कोई एक आदमी ऐसा हो भी तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना। शास्त्र की कोई गलती नहीं है, उसमें शास्त्र जिनवाणी है, भगवान जिनेन्द्र की वाणी है, कुंदकुंदाचार्य देव द्वारा रचित है, गंधर्व देव द्वारा गूथित है, भगवान जिनेन्द्र द्वारा कही गई, मैंने मूल जिनवाणी का निषेध करना मैंने सीधे महापाप का भंग करना। जिस जिनवाणी में ओंकार भी लिखा हो ओम भी, और उसका जो निषेध करता है वो साक्षात भगवान का निषेध करता है। ओम में पंच परमेश्वर सम्मिलित है, यदि इसमें ओम भी लिखा है नवकार लिखा है और हमने इसको बाहर किया, समझ लो ना तुम भव भव में बाहर हो। ये बाहर के शास्त्र में उनमें भी ओम लिखा रहता है, नहीं नवकार मंत्र कहने का ओम का मतलब नवकार मंत्र जिनवाणी हो, एक अपनी जिन्हें भगवान की वाणी हो, बाहर के शास्त्र तो वैसे ढंग का है, वो कोई नवकार मंत्र से मतलब नहीं। संसार के अंदर क्या है हाँ दोष लगता है, क्या करो, कषाय की होता है व्यक्ति विशेष से द्वेष होने से उससे ग्रंथों से द्वेष होता है। अब ग्रंथ से क्यों करते हैं समझ भी नहीं आता ना, ये तो क्या है जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी दिक्कत क्या है, लोगों की अपनी खुद की बुद्धि नहीं है, सबकी किराए की होती है, हराम में किराए की, मतलब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा, लेकिन अपनी बुद्धि लगाओ ना, अपनी खुद की खुद भी तो है ना दिमाग, गांठ की अकल है कि नहीं खुद की, तो लगाओ उसकी गांठ की अकल। एक कहावत है कि दुनिया में सुनना सबकी, लेकिन थोड़ी बहुत अपनी भी गांठ की बुद्धि रखना, ये तो जगह जगह ठगा हो। जैसे कहते हैं भाई तुमको यदि शादी में कपड़े पहन के जाना है तो और भले ही किराए के कपड़े पहन लेना, लेकिन कम से कम चार गज की लंगोटी खुद की रखना, कल से बांधने वाला आ गया तो इज्जत बची रह जाएगी क्या? ऐसे भले ही सुनो तुम सब कोई जो भी कहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अपना विवेक उपयोग करना, और नहीं होएगा तो और जिनकी नहीं होती अपनी बुद्धि गाट की वो ऐसी भ्रमित होते हैं। अपना विवेक भी तो होती है ना कोई चीज़,
कुछ भी कहे कोई, हम अपने विवेक से, स्वविवेक से, स्वबुद्धि से निर्णय करेंगे। यदि इसमें कोई दोष है तो अपन और देखेंगे, 10 बार देखेंगे कि इसमें क्या है जिस कारण निषेध कर रहे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ और उल्टा होना चाहिए, जिस चीज़ का निषेध हो तो उसका अपने समझ में आना चाहिए क्यों हो रहा है, उसकी गहराई में जाके खोज के देखे कि क्या कारण है। और अपन तो कारण तो कोई खोजता ही नहीं है, बस सीधे नहीं नहीं नहीं, तो इससे काम नहीं चलता। दूसरी बात यह कि परस्पर में सौहार्द और संभाव में रखा तो सब खत्म होने की कगार पे है। क्या ये सामने वाले व्यक्ति की बात सुनने का, उसको अवसर देने का, उसको बात कहो तो सही, क्या क्या कह रहे हो? निषेध करना भी एकांत का दोष, एकांतवाद का दोष लगता है, अभी हम तो बोल रहे वही सही। हाँ वो तो है ही, मतलब अपने को इतना पक्ष पड़ा है अपनी बात का, और वो क्या है उसमें दिक्कत क्या है कि आप किसी भी कोई भी व्यक्ति कह रहा है, मैं तो कहता हूँ कोई अजैन भी है, कोई भी व्यक्ति है, सामने वाले को अपन ने कहने का मौका ही नहीं दिया, तो इसका मतलब ये कि अपन केवल एक संप्रदाय से बंधे हुए हैं। सामने वाले को दे कहने का कोई आपकी दिक्कत तो ही, अपने पास में है ना अपनी थोड़ी बुद्धि, उसका अपन उपयोग करेंगे और अपन खुद ग्रंथ पढ़ेंगे, मैंने हम स्वयं भी थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन 90% लोगों की क्या साथ क्या दिक्कत है कि वो पढ़ते खुद ही नहीं है। क्या उनसे खुद से पूछो कि जिनका तूने खुद ने पढ़ा है, इसको जिसकी तू मना कर रहा है ना, पढ़ा क्या तूने? क्या कि साहब वो फलाने व्यक्ति है, तो फलाने व्यक्ति हो जो उस ग्रंथ का स्वाध्याय तो सच भी रहेगा, तो उससे पूछा मैंने, तूने खुद ने सुने कि नहीं सुने कभी? नहीं मैंने नहीं सुना। तो सुने नहीं तो तेरे विरोध करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? खुद एक दिन नहीं सुने और अपनी बुद्धि में अपने हिसाब से बना ले कुछ भी एक इमेज कि ऐसा कह रहे ऐसा कह रहे ऐसा कह रहे, तो ये तो आग, और अगर हमारी गलती तो बता देना, नहीं तो आग से ही आए नहीं और पहले ही उसको उखाड़ने की कोशिश करे, तो ये तो कोई न्याय नहीं हुआ, अन्याय की बात हुई है। क्या इसलिए प्रेम से सौहार्द से देख ले भाई क्या है वो ग्रंथ, तो क्या है मैं कहता हूँ जिनवाणी है ग्रंथ। क्या किसकी हिम्मत है जो जिनवाणी में इधर उधर करेगा भैया, उसको महा पाप बंद का, उसको खुद को भय है, कौन कुछ करेगा? इसलिए ये सब बातें बेकार की है, ये जो है अनपढ़ लोगों को चलाना हो उनके लिए है, बाकी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो तो नहीं चलेगा इन सब बातों से। दूसरा और देखो, तथा अध्यात्म ग्रंथों में कोई स्वच्छंद हो तो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अभी मिथ्या दृष्टि रहा, क्या अंतर पड़ा उसमें भी बोलो, स्वच्छंद भी हो गया तो ये तो इतना कह रहे हैं, इतना होगा इतना ही नुकसान होगा कि सुगति न होगा कुगति होगी। पहले समय तो देवगति जाता था, वो नरक जाएगा, ठीक नरक भी गया तो कहते कौन सा बहुत बड़ा, क्योंकि वो देव से फिर जाता है केंद्र, अब वो नरक से जाएगा धीरे धीरे करके केंद्र, और जाना तो सब वही है, त्रस पड़ जाएगा जितना काल उतने काल को पूरा करके सब जाएंगे केंद्रीय। यदि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई तो कोई डायरेक्ट केंद्रीय बने, कोई घूम के बने, कोई बहुत बड़ा उपकार सुधार नहीं हो सर, मैं ही बात आपको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई तो है तो संसार के पात्र, चाहे एकेंद्री बने चाहे देवगति बने, हमके क्या अंतर है, देव बन के एकेंद्री बनो चाहे डायरेक्ट एकेंद्री बनो, कोई बात बहुत बड़ा फर्क नहीं। परंतु अध्यात्म उपदेश न होने पर बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है और इसमें बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है, इसलिए अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना, इसका निषेध नहीं करना। दूसरी बात, जैन दर्शन के अंदर मेन क्रीम चीज है ये तो हीरा है, नहीं तो वो दूसरों क्या मिल जाएगा, अध्यात्म दूसरी जगह चले जाएगा। जैन दर्शन के अंदर इतनी बढ़िया चीज है, हम कहेंगे भाई तेरे को अध्यात्म सुनना है समझना है, अध्यात्म तो आज दुनिया में सबसे अच्छी चीज मानी जाती है, तो आदमी जो है और कहीं भटकेगा, इससे अच्छा हम कहेंगे भाई यही हाँ हमारे पास सब है अध्यात्म ही। क्या अध्यात्म बात को तो दुनिया में बहुत आज की तारीख में तो बहुत अच्छा माना जाता है, और हम ही अध्यात्म का निषेध करें। तथा कितने जीव कहते हैं कि द्रव्य रूप अध्यात्म उपदेश वो उत्कृष्ट है, वो ये दूसरा तर्क है, वो क्या उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी, जो उतनी ऊंची दशा में चले गए उनको कार्यकारी, निचली दशा वालों को व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है। ये तो मुनि राज नहीं पढ़ने का, श्रावक के लिए पढ़ने का है, ये सीधे सीधे प्रश्न है, और ये कब का प्रश्न है मालूम है, ये आज का नहीं लिखा हुआ है,
ये 250 साल पहले का है क्वेश्चन, उसका उत्तर उससे कहते हैं कि जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक होता है और फिर व्रत होते हैं, उसने कहेगा पहले व्रत का उपदेश दो फिर सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर लेगा, पहले व्रत आदि का उपदेश दो। प्रश्न क्या ध्यान रखा ना, जिन अध्यात्म का उपदेश है वो उत्कृष्ट है और निचली भूमिका वालों को कार्यकारी नहीं हो, तो उच्च दशा को जो प्राप्त हो उनको कार्यकारी हो, निचली दशा वालों को तो रस संयम आदि का ही उपदेश देना चाहिए, ऐसा उसने कहा। उसको कह रहे हैं कि जिन मत में परिपाटी की पहले सम्यक तो फिर रस संयम आदि फिर व्रत होते हैं, और वो सम्यक कब होता है, सब प्रकार श्रद्धान होने पर, और वो श्रद्धान कैसे होता है, वो श्रद्धान द्रव्य नियोग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्य नियोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणा नियोग के अनुसार व्रताधिक धारण करके व्रति हो। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्य नियोग कार्यकारी है, और उन्होंने कहा उसमें ही कार्यकारी है। कौन रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने, वही स्वप्न का वैदिक ज्ञान का उपदेश भी दे रहे लेकिन समझ में नहीं आता है कुछ भी, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने, तो उसे पहले किसी व्रताधिक का उपदेश देते हैं। यदि उसको समझ में नहीं आती, मतलब जैसे उसको समझ में, ऐसा है कि उसको ये उपदेश देने पर भी उसको समझ में नहीं आता हो, सरल से सरल भाषा में समझा उसको, उसको समझ नहीं आता और ऐसा लगता है कि इसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति मुश्किल, तो फिर वो जिस जिस तरह से पाप से छूट कर पुण्य में लगे, ऐसा भी उपदेश है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ भील को कहेगा, फिर भी उसको भी भील को कौवे के मांस छुड़ाया, इन साथ में उसको भी धर्म का उपदेश दिया, ऐसा नहीं कि उसको तत्व का उपदेश नहीं दिया, उसको उसके हिसाब से उसकी भाषा में दिया, भाषा भले कैसी हो लेकिन अध्यात्म का उपदेश तो दिया जाएगा ना। चाहे ये कहा जाए कि तेरा शरीर अलग है आत्मा अलग है, चाहे जीव जुदा पुद्गल जुदा, इस भाषा में कहो, तात्विक भाषा में कहो चाहे लेच्छ की भाषा में कहो, लेकिन जो भाव है उसका वो तो बताना जरूरी है। तो जब अपन देखते हैं कि इसको भाव की प्राप्ति होना मुश्किल है, तब अपन उसको छोड़कर व्रत आदि का उपदेश देते हैं कि चलो इससे कम से कम खोटी गति नहीं हो, सुगति होगी तो वहाँ वो मोक्ष मार्ग मिल जाए इसको, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो उसको सबसे पहले मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देंगे, अर्थात उसको अध्यात्म का ही उपदेश दिया जाएगा, क्योंकि वो हो गया सफर का श्रद्धान, तो वो सब तो हो जाएगा उसको। सफर का श्रद्धान हुआ मैंने सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चाहिए की गारंटी, तो व्रताधिक भी हो गया, सदाचार हो गया उसका, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो रहेगा संसार का संसार। इसमें एक प्रश्न ये आता है मन में कि जैसे जो इसमें सेकंड वाली स्टेज में पहले जैसा व्रताधिक नियम वाली, तो कम से कम उसकी गति बिगड़ेगी तो नहीं, और जैसे द्रव्यानुयोग वाले में जैसे अपन ने पहले तत्व अभ्यास समझ रहे कि हाँ ये, लेकिन अगर जरा से भी मान्यता में गड़बड़ हो गई तो गति तो बिगड़ना ही इसमें, नहीं गति बिगड़ना ही ऐसा नहीं है, वही तो कह रहा हूँ, किसी एक वो तो उन्होंने एक केस उठाई कि कोई विपरीत बुद्धि वाला यदि स्वच्छंदी हो तो वो कोई सभी उस, उन्होंने बार बार तो सुना कि जगह जगह उसको स्वच्छंद होने का निषेध किया है, वही अध्यात्म व्रत हो, दूसरी बात मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वही है, उसका निषेध करने से तो मूल मोक्ष मार्ग का भाव है और वो स्वच्छंद हो जाता है, ये क्या कह रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि स्वच्छंद होने का जगह जगह उसका निषेध किया है, कोई विपरीत बुद्धि होता हो वो कह रहे हैं विपरीत बुद्धि होता हो तो उसको कह देंगे भैया तू स्वच्छंद मत हो। एक यदि केस बिगड़ता हो तो उस एक केस के पीछे जो 99 केस सुलटते हैं वो 99 केस जो अच्छे खासे सुलट रहे हैं उनका निषेध तो ही नहीं किया जा सकता, और वो जो एक बिगड़ रहा है तो कह रहे हैं कि वो एक तो यूं भी बिगड़ा है, उसमें क्या उसको सुधार लें क्या। अब आपने जो बात की आप तो कह रहे हो वो पढ़ेंगे तो 99% केस बिगड़ जाएंगे, वो ऊपरी वो बहुत ऊपर ऊपर का स्कूल रहता है वो, और उससे उसके जो परिणामों की जो पहचान होना चाहिए और जो परिणाम पूर्वक होना चाहिए जो आनंद पूर्वक वो नहीं होता, उसको अधिक काल नहीं चलती वो चीज, जो भेद विज्ञान पूर्वक जो कार्य होता है वो सहज होता है और आनंदमय होता है, और बिना भेद विज्ञान के वो सब रूखा है। हाँ मतलब क्या है कि उसमें रस का काम जो है वो अनुभूति प्रकट अनुभूति डालती है, और वो अनुभूति वेद विज्ञान होने पर होती है,
और उसमें वेद विज्ञान की जगह जगह प्रेरणा दी है। और उसमें स्वच्छंद की बात है, स्वच्छंद तो क्या है, कोई जीव को व्रतादि की बहुत मुख्यता हो तो उसके लिए उन्होंने खींच के उपदेश दिया है कि कोई पालता ही नहीं हो तो उसके लिए सही बात है। वो तो उसको मतलब उसका हीनपना भी करते हैं तो वो इससे भी उचली दशा को प्राप्त हो उसके लिए किया उन्होंने कि इसको छोड़कर तो इसको प्राप्त कर, लेकिन उसको छोड़कर पाप में जाने के लिए नहीं। वो तो वहाँ जगह जगह संभाला है उसको। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक कलश पहले यदि वो लिखेंगे तो अगले कलश पे वो लिखेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना, इनको विष्कुंभ का विष्कुंभ ही, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना, किए गए दोषों की आलोचना करना, भविष्य में दोष नहीं करूँगा ऐसा करते ना, प्रतिक्रमण पाठ, प्रत्याख्यान, आलोचना पाठ हो गए, विष्कुंभ ऐसा लिखा उसने। तो उन्होंने अगली गाथा में लिखा कि यदि ये विष्कुंभ है तो अप्रत्याख्यान क्या होगा, विष का घड़ा, कुंभ माने घड़ा, ये जहर का घड़ा है, माने पुण्य जहर का घड़ा है। तो उन्होंने कहा पुण्य यदि जहर का घड़ा है तो पाप क्या होगा, अगली गाथा में लिखा है अगले कलश में। ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको छोड़ दिया, तो जगह जगह उसको संभाला है। जो भी व्यक्ति क्रम से पढ़ता है उसके स्वच्छंद होने का सवाल नहीं, क्रम से नहीं पढ़ेगा तो मैं कहता हूँ जिनवाणी कोई भी चीज भी पढ़ ले प्रचरणा नहीं, द्रव्या नहीं होगी क्या, वो तो कुछ भी पढ़ा है उसको स्वच्छंद होना ही है। तो जिसको उल्टी पाल्टी बातें निकालनी है तो कहीं से निकाल सकते। बाकी इतने तो संस्कार में देखो जैनी के, जैनी को तो आप स्वच्छंद बनाने की कोशिश भी करो तो बहुत मुश्किल है उसका स्वच्छंद होना। क्या कोई बिल्कुल ही एकदम जिसके कोई संस्कार नहीं हो जैनत्व के, एक बात छोड़ दो, और यदि उसको भी यदि ऐसा हो तो उसके लिए भी वो है ना। देखो क्या है, एक चीज और है, जिसको जिसकी मुख्यता हो जाए, किसी को किसकी मुख्यता हो जाए तो उसको अन्य की डोज देकर उसको बराबर बैलेंस कर लेना। किसी को द्रव्यानियोग की मुख्यता हो तो उसको अन्य नियोग का अभ्यास करो, लेकिन जिसके लिए अभ्यास ही नहीं है तो क्या उसकी मुख्यता, मुख्यता ही नहीं है तो उसकी क्या डोज देंगे अपन, उसको क्या कहेंगे तो स्वच्छंद मत। हाँ मैंने जिसके बैलेंस के एक ही तरफ है तो उसको क्या बैलेंस संभाले, मतलब कह रहे हैं हाँ यहाँ कभी इम्बेलेंस हो जाए तो अन्य तीन अनियोग का उपदेश देकर उसको संभाल लें, लेकिन जिसके है ही नहीं एक अनियोग द्रव्य अनियोग नहीं तो क्या करेगा। इसलिए तो कह रहे हैं मोक्ष मार्ग इस है, तो इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्य अनियोग कार्यकारी है। गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने उसे पहले किसी व्रतादिक का उपदेश देते हैं। इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य है ऐसा जानकर, ये तो उचली दशा वाले के लिए है, ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परामुख होना योग्य नहीं है। परामुख होना योग्य नहीं हो तो उसमें अपना अहित कर बैठेंगे वो। एक यदि पाए नहीं है जिनवाणी का तो उनका हित होने वाला होना मुश्किल है, मूल मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होना मुश्किल। और दूसरी बात अपने को तो अपना हित करना, अपना हित करना अपने कोई होता हो तो अपन तो अपन पक्के ना कि अपन तो बता दी नहीं छोड़े पढ़ो आराम से फिर परीक्षा दे अपने श्रद्धांत को अपन सुधार। अपन अपने श्रद्धांत से क्यों, अपन अपने श्रद्धांत को सुधारने में क्यों चुप करो, क्या अपन तो नहीं होंगे ना स्वच्छंद बस। तथा यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होगा तो बहुत ऊंची बात है ऐसा, ये और एक तरीका किसी का निषेध करना होता है, वो तो बहुत ऊंचे है, बहुत ऊंचे है, तो बहुत ऊंचे के लिए मतलब क्या है वो तो उनकी बात तो बहुत ऊंची है, वो तो बहुत ऊंचे लेवल पे आ गए, ऊंचे लेवल पे आ गए तो अपने को जाना ही नहीं उस लेवल पे है। मतलब ये सीधे सीधे मना करने का, सीधे सीधे मना नहीं करते बनता तो गोल घुमा घूम के मना कर रहे उसका। सरल कहो कि बहुत सरल है, अरे वो तो बहुत एकदम स्थूल बातें करते, सूक्ष्म अरे वो तो बहुत क्या करे आपने बेचारा, तरकी भी मालूम लो क्या अपना इलाज कराना अपना डॉक्टर का, डॉक्टर से आदमी किसी से नहीं पूछता, और कोई धर्म का प्रोग्राम कराना अरे साहब पहले समाज से परमिशन लेनी पड़ेगी, घर वालों से लेनी पड़ेगी, उनसे ट्रस्ट से पूछना पड़ेगा, उससे करना पड़ेगा, दस चीज नहीं बहुत अच्छे अच्छे समझाते पड़ेगा।
अरे वो तो बहुत ऊँचे हैं कभी बता दू सब इतनी मतलब इतनी राजनीति लगा रखी इसके अंदर थी कोई वो क्या मतलब वो मूल मोक्ष मार्ग का क्योंकि पालू नहीं मूल मोक्ष मार्ग का एक बार उद्देश्य हुआ तो ये सब चीजें सब सब बंद हो जाएगी सारी उल्टी दुकानदारी क्या तो भय लगेगा ना किसी को भय नहीं लगेगा गलत आदमी को भय लगेगा ही नहीं क्योंकि उसको मालूम है कि एक बार सच्ची चीज का वस्तु स्वरूप का दिग्दर्शन होगा तो लोगों को यथार्थ बात पता चलेगी तो सारी गलतियां पोल पट्टी एकदम खुल जाएंगी। ये मैंने एक जगह हम अभी 8 दिनों में विधान था अभी विधान करा है वहाँ पे बिना कोई म्यूजिक के क्या बिना कोई उसके उसके मतलब बिना कोई नृत्य गान के कुछ नहीं शांति से लोगों को बड़ा अच्छा लगा तो बाकी लोगों को सबको अच्छा लगा लेकिन किसी को बुरा भी ना क्यों गाने वालों को बुरा लगा नाचने वालों को बुरा लगा एक दो जनों को नाचने में मौका नहीं मिला मैंने कहा इनके नाचने के चक्कर में बाकी बेचारे लोग इनको डांस ही देखते रहते वो अरे तो कैसे बोलते फिर अरे तो फटाफट 15 मिनट में आ जा 100 20 मिनट में 100 1 घंटे में 400 क्योंकि टाइम तो उतना ही रहता है। मैंने कहा अच्छी परंपरा भी डाल के दिखाई जा सकती है उसमें सब सब पंडो को तकलीफ फ्री पॉकेट में काम हो गया एकदम बिना उसके पैसे के बिना म्यूजिक के बिना कोई पार्टी के एकदम सस्ते में सबको तकलीफ होगी होगी क्यों नहीं कि एक बार सस्ते में हो गया तो अब दूसरी बार तो कोई आदमी देने को तैयार ही नहीं हमारा तो इतने में हो गया था विधान उनको बुला लो वापस से हमारा तो इतने में हो जाता 100 रुपये में हो जाता हमारा तो हम 1000 रुपये किस बात के दें किसने कराया था क्या तो वो तो होना ही है प्रॉब्लम तो ये तो पक्की प्रॉब्लम है क्योंकि फाइनेंशियल किसी भी आदमी को समस्या होगी तो वो जो है वो आदमी को उखाड़ेगा दूसरा इसलिए मैंने कोई आश्चर्य नहीं कर फ्री वाले आदमी को सबसे ज़्यादा दिक्कत है सही काम करने वाले को इस काल में दिक्कत है गलत काम करने वाले कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सब चोर चोर मोसरे भाई ने और कोई बिल्कुल बेचारा करे तो सब उसके आंखों में कि अपना क्या हुआ है तो अपना क्या हुआ है फ्री में करे तो अपना क्या होगा इससे ये है वो सब क्या हाँ पहले लोगों को कंसेप्शन था कि विधान सिर्फ ध्वनि वर्ग ही करा सकता है अरे विधान की जरूरत ही नहीं होती 200 रुपये का हार के चढ़ते हैं 200 रुपये इकट्ठे कर लो विधान हो जाए कितने विधान कराना बोलो आपको कौन सा विधान करना और अर्थ सही क्या अच्छा एकदम एवं जो जो एक एक बात एक एक लाइन का प्रॉपर उस अर्घावली का भी अर्घ का भी अर्थ दोह का भी अर्थ सब कुछ सही और अच्छे राग में व्यवस्थित राग में जो उसकी राग है पिक्चर विक्चर के गाने में नहीं जो उसकी जो राग है व्यवस्थित जिस दोहे की जो राग है उस राग सहित बड़ा बट प्रॉपर विधि विधान सहित प्रासंग द्रव्य से बड़ी बात तो ही नहीं धर्म तो सचमुच जो है बिना धन का होता है धर्म में धन की क्या जरूरत है क्या मलारगंज में अभी हमने लाल मंदिर में कराया था मलारगंज में देखा ही था आपने फिर तो कोई जरूरत ही नहीं लोग कहते कितना लगेगा कितना लगेगा कुछ नहीं लगेगा तेरी जेब में 200 रुपये निकाल के रखेंगे आएंगे क्या लगेगा और वो भी नहीं हो तो वो भी हम अपनी तरफ से देखने को तैयार हैं क्या उसमें जाने क्या कौन सा भगवान को चढ़ना है ना द्रव्य इसके लिए धन की क्या आवश्यकता चढ़ा कोई चढ़ा तो इसलिए ये सब चीजें तो दिक्कत तो है लेकिन मतलब दिक्कत मतलब जो भी करेगा सस्ते में आज की तारीख में दिक्कत उसको ही होगी तो नहीं कहोगे अब उसने क्या कहा देखो ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता मतलब ऊंचा उपदेश है तो ऊंचा उपदेश निचले वालों को भाषित नहीं होगा तो उसका उत्तर यह है और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने और यहाँ मूर्खपना प्रकट करे वहा योग भी नहीं ये तो बहुत ऊंची बातें हैं ऊंची बातें तो तू दुनिया में तो कितनी ऊंची ऊंची काम करता है और यहाँ कह रहा है ऊंची बात सुनने को तैयार नहीं तो ये तेरी चतुराई की बात है तेरे को रुचि नहीं अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है तो अभ्यास करेगा तो स्वरूप भाषित होगा अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो बहुत पूरा नहीं थोड़ा बहुत भाषित हो परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करेगा अपने तो पढ़ना ही नहीं क्या तेरे को पूरा गणित नहीं आता 100% मार्क्स नहीं हो पढ़ 80% सही तेरे लिए 70% सही परंतु मैं तो पढ़ाई नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास 100% नंबर नहीं आएंगे तो ये कोई बात योग्य नहीं जितना बने उतना
अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करे, वह तो क्या है, जिन मार्ग का द्वेषी होना है, जिन मार्ग है ये जिन वाणी इसका द्वेषी होना है, मतलब इसका निषेध करना। तथा तो यदि कहोगे काल निकृष्ट, निकृष्ट काल है एक और चीज, इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उद्देश्य की मुख्यता नहीं करना, तो काल पंचम काल है और ये है दुनिया भर की चीजें उसमें काल कुछ ना कुछ बहाने तो चाहिए ना, कहीं ना कहीं तर्क तो दे रहे हो, सारे हथियार उसके साफ हो रहे, तो ये काल निकृष्ट है इसलिए इस काल में अध्यात्म उद्देश्य की मुख्यता नहीं करना। तो उससे कहते हैं ये काल साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है, चलो साक्षात मोक्ष नहीं होगा माने एकदम इसी भाव से इसी यहाँ मोक्ष नहीं होगा, परंतु आत्मानुभवन आदि द्वारा सम्यक्वादि होना इस काल में मना नहीं है, सम्यक दर्शन हो सकता है, सम्यक दर्शन का निषेध करना माने सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर मुनि दर्शन कैसे होगी, फिर तो सीधे सीधे साक्षात ये कहना है कि मुनि हो ही नहीं सकते, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए जिसके नहीं है मुनि कैसे। यदि कोई कहता है इस काल में सम्यक नहीं हो सकता, सम्यक नहीं हो सकता सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, सम्यक चाहिए नहीं हो सकता, रत्नत्रय नहीं हो सकता, तो मुनि दशा कैसे होगी, जबकि है रहेंगे तो वो रहेगा तो सम्यक नहीं हो सकता, सम्यक के लिए तो उसमें उपदेश है द्रव्यादि होंगे, वेद विज्ञान का उपदेश है, आत्मानुभव का उपदेश है, तो वो सम्यक दृष्टि बनाने के लिए उपदेश है, तो वो तो और निचली भूमिका का उपदेश है। पर हम चाहित की क्या बात कर रहे हैं, हम तो चाहित के पहले सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के पहले सम्यक दर्शन, उसमें तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात है भैया, चौथे गुणस्थान की बात है, पांचवें सातवें की तो बात ही नहीं है। आत्मानुभव आदि द्वारा सम्यक होना इस काल में मना नहीं है, इसलिए आत्मानुभव आदि के अर्थ आत्मा के अनुभव के लिए सफर के भेद विज्ञान के लिए द्रव्यादियों का अभ्यास, द्रव्यादियों का अवश्य अभ्यास करना, वही षट पावन में मोक्ष पावन में कहा है। आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव, तीन रत्न कौन कौन से, आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव आत्मा को ध्यान कर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, आज भी ये काल इतना निकृष्ट नहीं है, आज भी रत्नत्रय को प्राप्त करके जीव स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, त्रिरत्न से शुद्ध जीव आत्मा को ध्यान कर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं और लोकांतिक में देवपना प्राप्त करते हैं, इस काल में इस काल का जीव वहां से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं, लोकांतिक से सीधे मनुष्य के मोक्ष जाते हैं बहुरी, इसलिए इस काल में भी द्रव्यादियों का देश मुख्य चाहिए। कोई कहता है द्रव्यादियों के, द्रव्यादियों में अध्यात्म शास्त्र है, वह स्वपर भेद विज्ञान आदि का उपदेश दिया, वह तो कार्यकारी भी बहुत है और समझ में भी शीघ्र आता है, परंतु द्रव्य गुण पर्याय का तो प्रमाण है, निक्षेप आदि का जबकि ये सरल है करना नियोग की अपेक्षा, लेकिन फिर भी कोई कह रहा है क्यों हम इतने सब गहराई में उसके समझे, त्रिगुण पर्याय क्या है, प्रमाण है, निक्षेप क्या है और अन्य मत के कहे गए तत्वों के निराकरण के न्याय के शास्त्र, तो उनको जानने में बहुत क्या होता है, उनके जानने में बहुत प्रयास करने पे जानने में आते हैं, उनके अभ्यास में विकल्प विशेष होते हैं, इसलिए उनका अभ्यास नहीं करना, उससे कहते हैं देखो सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है, तो अभी जो जानता है वो सामान्य जानता है और ये जब विशेष रूप से जानेगा तो वो अच्छे से समझ में आएगा, बलवान है समझ, कोई भी चीज़ अपने ऊपर ऊपर समझना, ऊपर ऊपर सतही लेवल पर, फिर एक अंदर गहराई में उसको घुस के समझना कौन बलवान है, गहराई में जानना, जो जो विशेष जानता है उसके भेद प्रवेश सहित उसको अंदर गहराई से जानता है, त्यों त्यों वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है, उस वस्तु स्वभाव एकदम निर्मल अपने को भाषित होता है, ज्ञान में निर्मलता होती है, जो धुंधला बना होता है, जो अस्पष्ट जानना होता है वो अस्पष्टता मिटती जाती है, श्रद्धा अपना दृढ़ होता है, रागाधिक घटते हैं, इसलिए इस उस अभ्यास में प्रवर्तना योग्य है, मैंने जो तू कह रहा है द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास नहीं करना, तो कह रहे नहीं द्रव्य गुण पर्याय के भी अभ्यास में प्रवर्तना योग्य, द्रव्य गुण अभ्यास पर्याय में और प्रमाण में निक्षेप में और अन्य मत के कहे गए तत्वादि के निराकरण सब पढ़ो, उनको जानने से अपना श्रद्धा में निर्मल होगा, राग घटेंगे क्या, और वस्तु स्वरूप निर्मल भाषित होगा, इसलिए इनके अभ्यास में भी प्रवर्तना योग्य, मैंने
अध्यात्म उपदेश को तो उसने रख लिया था पीछे, यही तो प्रश्न किया था उसने कि भाई भेद विज्ञान आदि का उपदेश दिया वो तो कार्यकारी बोझ है, वो तो चलो करेंगे, लेकिन बाकी ये जो द्रव्यगुण पर्याय आदि का उपदेश है अथवा न्याय निक्षेप प्रमाण न्याय वगैरह इनको नहीं, तो कह रहे नहीं ये भी कार्यकारी सभी का, मतलब द्रव्यानियोग तो पूरा का पूरा ही कार्यकारी, सफल भेद विज्ञान तो है ही कार्यकारी, समय सार प्रवचन सार आदि तो कार्यकारी है ही, लेकिन साथ में जिनमें जो इसके जो न्याय के ग्रंथ है वो भी कार्यकारी, क्योंकि उससे वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है, न्याय के ग्रंथ में से कोई पढ़ता नहीं आज की तारीख, पढ़ाने वाले कोई कम है, लेकिन वो भी कार्यकारी है, लेकिन वो कार्यकारी उनको भी कार्यकारी कह रहे हैं तो सफल भेद विज्ञान के उपदेश वाले ग्रंथ तो कितने कार्यकारी होंगे, अभी तो वो ही नहीं पढ़े 50 मतलब रत्र संग्रह प्रवचन सार समय सार इनको इनकी कितनी कार्यकारिता है, मतलब ये फर्स्ट स्टेज के हैं, और फिर उसके बाद में जो कह रहे हैं कि इसके बाद के जो सेकंड स्टेज वाले जो न्याय के ग्रंथ थे, न्याय के ग्रंथ मतलब परीक्षा मुख प्रमेय रत्नमाला वो भी कार्यकारी, क्योंकि उसको जानने से समय सार आदि और विशेष जानने में आते, लेकिन वो नहीं भी जानना हो तो कम से कम समय सार एक बार पढ़े तो सही, सामान्य स्वरूप भाषित होगा, बहुत विशेष नहीं भाषित होगा तो भी कुछ तो भाषित होगा, नहीं मामा से तो काढ़ा होना अच्छा, और वो जानेगा तो बहुत ही अच्छा है, और वो भी काढ़ा होगा क्या ऐसे कोई कोई बुद्धि से अपने न्याय लगा सकता है, बिना न्याय के ग्रंथों के भी यदि कोई समय सार को भी अच्छे से पढ़े तो वो समय सार में ही न्याय की शैली से ही वर्णन है, तो वहां से भी वो भेद विज्ञान कर सकता है। इस प्रकार चारों अनियोगों में दोष कल्पना करके अभ्यास से परामुख होना योग्य नहीं, ये तो अपन ने एक अनियोग का पढ़ा, ये तो तीन अनियोग और डाल देता, ये मैंने इसलिए लिया ये तो द्रव्यानियोग का, क्योंकि इसके ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं, प्रथमानियोगों का कोई मना नहीं करता, चरणानियोग कोई मना नहीं करता, करणानियोग कोई मना नहीं करता, पढ़े भले ही नहीं इसमें तो ना वो पढ़ते हैं और पढ़ते नहीं वहां तक तो ठीक है, लेकिन पढ़ने का निषेध करते हैं तो वो कहते हैं बहुत गलत बात है, स्वयं पढ़ना चाहिए उल्टा उसका निषेध करना है, ठीक है बाकी चर्चा अगले कल कितना हो गया आज का कल बाद सर से अपन नया चैप्टर चालू करते हैं, बाकी यदि आपको विशेष पढ़ना हो तो आप ये मोक्ष और प्रकाशक का 8वां अध्याय पढ़ना, चारों अनियोग और अच्छे विशेष गहराई से जानना हो, अपना तो अभी इतनी क्लास में लेना था तो अपन ने आज चार अनियोग का चैप्टर पूरा किया, कल से अपन नया चैप्टर चालू करें।